What's up people, hi this is Rohan Virdi, welcome back to my channel. So आज है 5 December और मुझे जाना है Pennsylvania किसी काम के लिए और so I'm going to rent a car today और मैं आप लोग को सबको बताऊंगा कि USA में गाड़ी रेंट करने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है. So चलिए मेरे साथ और देखते हैं कि कौन सी गाड़ी लेते हैं और कहाँ जाते हैं. तो और मैं आप लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ के ट्रैफिक रूल की कि आप जब भी ऐसा स्टॉप साइन देखते हो यू हैव टू स्टॉप एट दैट इंटरसेक्शन फॉर 3 seconds एंड देन यू कैन गो अहेड वरना अगर कोई कॉप रहेगा तो आपको पकड़ लेगा और फाइन मारेगा. मैंने भी थोड़ी पढ़ाई लिखाई की थी जब मैं अपने लाइसेंस का एग्ज़ाम दे रहा था. अगर आप कभी भी आते हैं और गाड़ी बुक करते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छी जगह है, बैठो आप आराम करो. अगर आपको थोड़ा टाइम लग रहा है यू हैव नाइस प्लेस टू सिट हियर रिलैक्स एंड पानी भी है. अगर कहीं कहीं जगह पर तो ऐसा होता है दे प्रोवाइड यू चॉकलेट्स चिप्स एंड अदर कैंडीज ऑल्सो विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग. दो चार चीज़ें जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा. अगर आप इंडिया से या किसी और कंट्री से आप USA आते हो अगर आपको रेंट अ कार करनी है तो आपको 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. पहला आपका वैलिड लाइसेंस, इंटरनेशनल वैलिड लाइसेंस, स्मार्ट कार्ड जिसमें इंग्लिश में लिखा हो. और दूसरा आपको चाहिए एक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नहीं चलेगा, आपको चाहिए क्रेडिट कार्ड जो कि आप हर कंट्री में जाते हैं जब क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं वो दो चीज चाहिए. और वेरी इंपॉर्टेंट आपका पासपोर्ट जिसमें वीजा वैलिड होना चाहिए. ये 3 चीजें होगी तो आपको रेंट अ कार मिल जाएगी इस कंट्री में USA में. और अगर आप USA में रहते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं या आप मेरे जैसे हो जो कि आप यहाँ पर काम करते हैं वीजा स्टेटस में, तो आपको जैसे कि मैं रहता हूँ मेरीलैंड में, मेरे पास वैलिड लाइसेंस है मेरीलैंड स्टेट का और यहाँ का मेरे पास एड्रेस प्रूफ है और मेरे पास यहाँ का लाइसेंस है, तो उन लोगों को मेरा लाइसेंस चाहिए रहेगा जिसमें मेरा एड्रेस प्रूफ आ जाता है और मेरा डेबिट कार्ड चाहिए रहेगा. तो ये 2 चीज़ों में मुझे वो लोग रेंट अ कार दे देंगे. अगर मैं यहाँ से जैसे कि फ्लोरिडा गया या किसी और स्टेट पे गया तो वहाँ मुझे अपना वैलिड लाइसेंस दिखाना पड़ेगा और मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए रहेगा अपने स्टेट का, तभी मुझे वो लोग रेंट अ कार अलाउड करेंगे वरना वो लोग मुझे रेंट अ कार नहीं मिलेगी. आई थॉट दैट आई शेयर दीज टिप्स ऑल्सो विथ यू ऑल. बाकी तो आप लोग इंजॉय कीजिए वीडियो. And check-in, check-out time, and that's our phone number. And this is the, you know, after-hour number or roadside if you need assistance. If you don't have no questions from me, you'll say the key is in the ignition. Okay. तो ये गाड़ी तो है बड़ी. और जब तक मैं थोड़ा पेपर वर्क करता हूँ, आप लोग ये बी रोल एंजॉय कीजिए. गाड़ी का रेंट आप कौन सी गाड़ी ले रहे हैं उस पे डिपेंड करता है. मैंने ली है एक वैन तो मुझे उसका रेंट पड़ा है $50 विथ इंश्योरेंस पर डे. और जब सारा पेपर वर्क हो जाता है उसके बाद हम लोग पूरी गाड़ी का राउंड लगाते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ, तो कि पूरी गाड़ी चेक हो जाएगी कि कहीं कुछ डेंट तो नहीं है और कुछ भी नहीं है. अगर होगा तो वो लोग लिख लेंगे अपने रिकॉर्ड में और अगर हमसे कुछ होएगा तो उन लोग को पता लग जाएगा. और उसके बाद मैं वैन लेके वहाँ से निकल गया. मैं थोड़ा सा डरा हुआ भी था और एक्साइटेड भी था क्योंकि इतनी बड़ी वैन मैं फर्स्ट टाइम चला रहा था. एक दो बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जब आप गाड़ी लेते हो तो प्लीज़ गाड़ी में देख लेना कि पेट्रोल कितना है, क्योंकि जब गाड़ी आप रिटर्न करने जाओगे तो उतना ही पेट्रोल आपको गाड़ी में डालना पड़ेगा. और चेकआउट का टाइम भी नोट कर लेना, क्योंकि जितने बजे आप चेकआउट करोगे गाड़ी दूसरे दिन उतने बजे तक ही आपको गाड़ी लौटानी पड़ेगी, वरना आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाएंगे जो कि मुझे नहीं लगे थे. तो अभी मैंने हाईवे पकड़ लिया और डायरेक्टली मुझे 65 माइल्स पहला जो एग्जिट आएगा वो 65 माइल्स के बाद आएगा. और जब भी मैं ऐसी जर्नी लंबी जर्नी पे जाता हूँ ना तो मुझे गाड़ी क्रूज कंट्रोल ही पसंद है, क्योंकि क्रूज कंट्रोल गाड़ी में क्या होता है कि यू डोंट हैव टू एक्सेलरेट, आपको एक्सेलरेट ज़्यादा नहीं देना पड़ता. एक बार गाड़ी सेट कर दो और क्रूज कंट्रोल दबा दो तो वही स्पीड पे गाड़ी चलती रहेगी. जैसे मैंने अभी गाड़ी सेट कर दी है 70 माइल्स पर आवर, रोड की स्पीड भी 70 माइल्स पर आवर है, बट यू कैन गो अप
5 miles fast chala sakte ho aur 5-10 miles slow bhi chala sakte ho. So you, I always make sure that ke main traffic rule ko follow karke chalo aur zyada speeding na karo. Aur ye mere liye nayi gaadi hai to definitely main zyada speeding karunga hi. Main yahan 7 saalon se gaadi chala raha hu. Maza aa jata hai. Roads are very very smooth aur jahan main rehta hu wahan bahut sare khoobsurat pahad hain. It's really beautiful. और हर 9-10 माइल के बीच में आपको मैकडॉनल्ड्स, सबवे, रेस्ट एरिया या फिर कोई ना कोई गैस स्टेशन मिल जाएगा. और यहाँ के कुछ रेस्ट एरियाज तो ऐसा लगे कि छोटे से मॉल हैं. किसी दिन दिखाऊंगा आपको. और अब मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, चलो मैकडॉनल्ड्स खाते हैं. यहाँ से एक सैंडविच लेता हूँ और मुझे बाथरूम भी जाना है. एक सैंडविच ऑर्डर करता हूँ, बाथरूम जाता हूँ और फिर वापस से गाड़ी चलानी चालू कर दूँगा. सो यूजुअली मैं जब मुझे फास्ट फूड खाना रहता है तो मैं प्रीफर करता हूँ चिकफिले का. पर चिकफिले यहाँ पर बहुत सारे थे पर मैंने गाड़ी रोकी नहीं और मुझे ये सबसे ज़्यादा नज़दीक एग्जिट में लगा तो मैंने यहाँ रुका के और यहाँ से मैंने मैकडॉनल्ड्स में. थैंक यू सो मच. मेक श्योर योर फ्रेंड्स सब्सक्राइब टू योर वॉच. थैंक यू. सो सैंडविच ले लिया और कुछ दोस्त मिल गए नए जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया. तो चलो यहाँ से चलते हैं जल्दी जल्दी और ठंड बहुत है. और फिर फाइनली मैं 107 माइल चलाने के बाद, जो कि इंडिया में होता है 172.2 किलोमीटर्स, मैं अपनी मंजिल तक पहुँच गया. सो जस्ट अभी पहुँचा हूँ और बहुत लंबी ड्राइव थी. पूरा काम ख़त्म करके आपको मिलता हूँ. Hi. तो काम हो गया पूरा, अभी बज रहे हैं 8 और यहाँ से मैं अभी निकल गया हूँ. अभी मैं आप लोग को डायरेक्टली घर में मिलता हूँ और आप लोग को बताऊंगा कि इस रेंट कार को वापस करते वक्त हमें क्या क्या फॉर्म फिलअप करना पड़ता है और क्या क्या करना पड़ता है. यहाँ के टोल ऐसे हैं, देख लीजिए आप लोग. थैंक यू बाय. और फिर मेरे सामने लंबा रास्ता, स्मूथ रोड्स. अराउंड 2.5 घंटा गाड़ी चलाने के बाद मैं अपने घर पहुँच गया. फाइनली बहुत गाड़ी चलाई आज. 10:30 बज रहे, अभी घर पे जाता हूँ, कुछ खाता हूँ. और जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोगों को मैं तहे दिल से वेलकम बोलता हूँ. वेलकम टू माई व्लॉग्स. एंड मुझे बहुत पसंद है ये सोन पापड़ी, कभी कभी मैं खाता हूँ. गुड मॉर्निंग, आज हो गया है 2रा दिन. कल रात को मैं लेट पहुँचा था और पहुँच के ही मैं थोड़ा सा वीडियोस देख के और सो गया. उसके बाद अभी मैं गाड़ी रिटर्न करने जा रहा हूँ. सो अभी यहाँ पहुँचे हम लोग और अभी आएंगे वो जिन्होंने हमें कॉल रेंटर दिया था, वो आके पूरी जांच पड़ताल करेंगे और फिर वो लोग गाड़ी लेंगे. गाड़ी में तो कुछ हुआ नहीं, वैसे मैं कल गया था और वापस आ गया था और देखते हैं इंस्पेक्शन करेगा और गाड़ी लेके जाएगा. और फिर उसके बाद उस सेल्स पर्सन ने मुझे कुछ भी रिकॉर्ड करने नहीं दिया. बोलने लग गया कि यू आर नॉट अलाउड टू शूट. तो मैंने बोला कोई बात नहीं है भाई साहब. उसने आया और अपनी पूरी गाड़ी चेक की और देन वी वर गुड टू गो. और अभी मैं आप लोगों को ये वीडियो एडिट करके दिखा रहा हूँ. थैंक यू सो मच जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, वेलकम टू माय चैनल. और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे उसके बाजू में ये बेल आइकन है, उसको ऑल दबा देना. उससे क्या होगा कि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप लोग वीडियो देख लोगे और मुझे बहुत अच्छा लगेगा. सो दैट्स अबाउट इट. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. कीप वॉचिंग एंड कीप मोटिवेटिंग मी.